हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए व्रत के आलू वड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप साबूदाने की खिचड़ी तो हमेशा खाते हैं, कुछ नया खाने का मन करे तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, टेस्टी और झटपट बनने वाली रेसिपी है और साथ में मैंने हरी चटनी बनाई है, इससे आलू वड़े और ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। आलू बड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाला बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने पैन में 2 बड़े चम्मच तेल लिया है। ये मूंगफली का तेल है, आप इसकी जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं। तेल जैसे ही गर्म होगा इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे। चार से पांच कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे। अब इसमें आलू डालेंगे, ये मैंने 8 आलू लिए हैं जिसे मैंने उबालकर छीलकर और मैश कर लिया है। अब इसमें 2 बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, ये मैंने 2 बड़े चम्मच नमक डाला है। मसाला खट्टा मीठा बनाएंगे तो उसके लिए मैंने 3 बड़े चम्मच शक्कर डाली है। सभी मसाले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप मसाला अपने टेस्ट के अनुसार भी बना सकते हैं। वन फोर्थ चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे। खटाई के लिए इसमें 1 नींबू का रस डालेंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुछ इसमें धनिए की पत्तियां डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू का मसाला तैयार हो गया है। अब गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। मसाला ठंडा हो रहा है तब तक हम चटनी बना लेंगे। तो 1/2 चम्मच मैंने जीरा लिया है और 15 से 20 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इसमें 1 कप के करीब हम धनिया डालेंगे। आधा चम्मच नमक डालेंगे और चटनी को भी हम खट्टा मीठा बनाएंगे, तो 1 चम्मच इसमें शक्कर डालेंगे और थोड़ा सा नींबू का रस। इसे मिक्सर में हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए चटनी बनकर तैयार हो गई है, इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। आलू बड़े की चटनी में अनार के दाने बहुत अच्छे लगते हैं, तो थोड़े से हम इसमें अनार के दाने डाल देंगे। ये चटनी तैयार हो गई है। अब हम आलू बड़े का बैटर बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने 1 कप राजगिरे का आटा लिया है। उसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे। ये मैंने 1/4 कप मोरधन लिया है और 2 बड़े चम्मच साबूदाना, दोनों को मैंने 1/2 घंटा भिगो कर रखा है। आप इसमें मोरधन जरूर डालें क्योंकि मोरधन से आलू बड़े क्रिस्पी बनते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 1/2 राजगिरा और 1/2 मोरधन दोनों को मिक्स करके आप बैटर बना सकते हैं। इसका हम बारीक पेस्ट बना लेंगे और इसमें पानी हम आवश्यकता अनुसार ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है। पेस्ट को हम बैटर में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए बैटर हमें इतना गाढ़ा रखना है कि आलू में इसकी अच्छे से कोटिंग हो जानी चाहिए। आप ये चीज़ इसमें ज़रूर ध्यान रखें कि साबूदाना आप इसमें ज़्यादा नहीं डालें, अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो आलू बड़े बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे। बैटर को साइड में हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। मसाला मैंने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। अब हम इसमें अनार के दाने डालेंगे। आलू बड़े में अनार के दाने बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आप इसे नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। मिक्स करेंगे इसे अच्छे से। अब हम इसके छोटे छोटे गोले बना लेंगे। आपको जितने बड़े आलू बड़े बनाने हैं उतने बड़े आप इसके गोले बना लें। तो देखिए ये साइज़ रखा है मैंने इसका।
इसी तरह से मैं सभी गोले इसके बना लूंगी। आलू बड़े बनाने के लिए मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब देखिए, जो हमने मसाले की छोटी छोटी गोलियां बनाई हैं उसे बैटर में इस तरह से डाल देंगे। आपके हाथ बार बार ख़राब ना हो उसके लिए मैं आपको एक तरीका और दिखाती हूँ। तो इस तरीके से आप एक स्पून से इसे उठाएं और दूसरी स्पून से इस तरीके से लें और इसे हम तेल में डाल देंगे। एक बार मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, देखिए इस तरीके से। इसे हम स्लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। आपको इसे तेज फ्लेम पर बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है, नहीं तो आलू बड़े अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसे फ्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाएंगे, इसलिए आप इसे स्लो फ्लेम पर ही फ्राई करें। इसमें मूर्धन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप मूर्धन आप जितना चाहें उतना इसमें डाल सकते हैं। आलू बड़े के बैटर में सिंगाड़े का आटा भी डालते हैं, मतलब आधा राजगिरा और आधा सिंगाड़े का आटा, लेकिन मुझे सिंगाड़े का आटा पसंद नहीं है इसलिए मैं इसमें मूर्धन डाल रही हूँ, और मूर्धन का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है, तो आप एक बार इस मेथड से ज़रूर बनाकर देखें। ये देखिए आलू बड़े का कलर कितना अच्छा आया है, गोल्डन कलर, और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। इसी तरह से हम सभी आलू बड़े बना लेंगे।